महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के कितने केस? 3 दिनों के अंदर राज्यों को मिलेंगी 24 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा मुआवजे पर एनडीएमए बनाए गाइडलाइन। महामारी से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कहर का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में डेल्टा प्लस के 14 और नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। अब महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस मरीजों का आंकड़ा 35 पर पहुंच गया है। देश में कोरोना के केस में लगातार कमी आ रही है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज अब तक 11 राज्यों में पाए गए हैं। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 66 मरीज हो गए हैं। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.77% हैं, जबकि रिकवरी रेट 96.92% और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 94 नए केस सामने आए, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 240 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस समय दिल्ली में पॉजिटिविटी दर 0.12% है। देश के कई हिस्सों में वैक्सीन न होने के चलते लोग परेशान दिखे। नोएडा सेक्टर 30 के सेंटर पर वैक्सीन न होने से लोग वापस लौटे। नोएडा के ही ESIC मॉडल हॉस्पिटल में भी 5 दिनों तक वैक्सीनेशन होने के आसार नहीं है। भोपाल में भी टीका न होने के चलते आज वैक्सीनेशन नहीं हो सका। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के प्रयास जारी हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों के अंदर कोरोना वैक्सीन की 24 लाख से ज्यादा डोज मिल जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्यों के पास अभी वैक्सीन की 73,166 डोज उपलब्ध है। कोरोना के कारण हुई मौतों पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुआवजा तय नहीं कर रहे, लेकिन NDMA 6 हफ्ते के भीतर प्रत्येक कोविड पीड़ित को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि निर्धारित करने का दिशा निर्देश जारी करे। हालांकि मुआवजा कितना होना चाहिए ये सरकार को खुद तय करना होगा। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस और येलो फंगस के चलते मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब तक देश में 40,800 से ज्यादा केस ब्लैक फंगस के मिले हैं, जिनमें से 31,344 मामले ऐसे हैं जिनमें मरीजों के दिमाग या फिर नासिक तंत्र में इन्फेक्शन हुआ है। पश्चिम बंगाल में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले में केंद्र सरकार ने 2 दिन में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।